रुद्रप्रयाग के अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज में संस्कृत अकादमी की ओर से 2 दिवसीय जनपद स्तरीय संस्कृत छात्र की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक स्तर पर चयन के बाद जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते ही अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने छात्र छात्राओं को संस्कृत के महत्व और इसकी प्रासंगिकता पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, हर तरह से संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए प्रयास किए जा रहे। केंद्र सरकार भी चाहती है कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए देवप्रयाग में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है। समय समय पर स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर ऐसी प्रतियोगिताएं की जा रही है ताकि संस्कृत को आम जन भाषा बनाया जा सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। संस्कृत भाषा को उत्तराखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा के रूप में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है और तमाम प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं कि किसी तरह से संस्कृत को प्रोत्साहन दिया जाए। और भारत की जो सरकार है, हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, वो भी चाहती है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और संस्कृत को देवभूमि कहा गया है। यही वजह है कि देवप्रयाग में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है। और समय धर्म प्राणी नश्चन खिलन जगत देववाणी प्रचारण ध्रुवम दक्षिणति मंगलम, ये उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार उत्तराखंड सरकार के द्वारा संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन के लिए संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए हैं। ये सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। इसमें छह प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, समूह नृत्य, संस्कृत संगीत, नृत्य नाटिका, नाटक, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद,